हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एआर ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर अमृता। फ्रेंड, आज की दो खबरें हैं। पहली खबर है बरेली से, जहां पे 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा गया। दूसरी खबर है गोरखपुर से, यूपी के गोरखपुर में, जहां पे जो एक महिला ने अपने पति और दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये दो खबरें हैं आपके लिए आज। शनिवार शाम को एक व्यक्ति जो है 5 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने बच्ची को बहुत ढूंढा तो 1 घंटे तक बच्ची कहीं पता नहीं चला। तो परिजनों ने पुलिस को फोन करा, पुलिस मौके पर पहुंची। ये जो घटना है कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिहारीपुर में। जब बच्ची को तलाश करा गया तो बच्ची एक खाली प्लाट पे मिली, बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद बच्ची रोने लगी, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और उसके साथ दुष्कर्म जो हुआ था वो उन्होंने आप बीती अपनी बताई। कोतवाली इंस्पेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बच्ची जो है अपने घर से 200 मीटर दूर खाली प्लाट में मिली है, जिसका जो है मेडिकल कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा गया है, उस पर मेडिकल परीक्षण करा जा रहा है। उसके बाद उसके बताए हुए बिंदुओं पे जो है कार्रवाई करी जा रही है, उस पर जाँच पड़ताल करी जा रही है। अभी तक आरोपी की सही पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची जो है बता रही है, उस तरीके से जो भी वो अपने जो है खास बिंदु दे रही है, उस खास बिंदु पर इस पर जो है जाँच पड़ताल करी जा रही है। एसपी सिटी राहुल भाटी जी का कहना है कि जो इस संबंध में जो है उन्होंने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के भी तहत धाराएँ जो है उन्होंने दर्ज कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के उसे सलाखों के पीछे करा जाएगा। ये यूपी के बरेली की घटना है, जो थाना कोतवाली के अंतर्गत आती है, बिहारीपुर के अंतर्गत। 5 साल की बच्ची को जो है बैला फुसला के ट्रॉफी दिला के जो है एक ट्रॉफी दिलाने के बहाने एक व्यक्ति वो जो है वहाँ से उसको ले गया था। दूसरी घटना है यूपी के गोरखपुर के सैनवर इलाके के जो है शहबाजगंज की ये घटना है। इसमें जो है नीलम नाम की एक महिला रहती है, जिसने अपने पति और दो बच्चों का कत्ल कर दिया। पति का नाम अवधेश गुप्ता है। ये जो है इस पत्नी ने जो है इसे अपने दोनों बच्चों को और पति को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो जो है वहाँ पे उसका विवाद चलता रहता था। उसके जो है अवधेश गुप्ता की ये दूसरी पत्नी थी, जिस और बच्चे दोनों सौते लेते। दूसरी पत्नी के जो है नीलम, उसकी भी ये दूसरी शादी थी, उसकी भी एक बेटी थी। तो अवधेश जो है वो उसकी बेटी पर गलत नियत रखता था और ये कहता था कि मैं जो हूँ इसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करूँगा, मैं जो प्रॉपर्टी है दोनों अपने बच्चों के नाम पर हूँ, जिसके वास्ते पति पत्नी में अनबन होती रहती थी। शनिवार शाम को पत्नी ने जो है अवधेश को पैसे दिए और शराब मंगाई, शराब उसे खूब पिलाई। जब वो शराब के नशे में धुत हो गया तो उसे जो है सर पे डंडा मार के उसे मौत के घाट उतार दिया और दोनों बच्चे को भी जी मौत के घाट उतारा, जो एक 5 साल के और 3 साल के बच्चे हैं, दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी ने फिर खुद फ़ोन करके पुलिस को बुलाया और कहा दो लोग आए थे नकाब बांधे हुए और मेरे पति और बच्चों को मारा। लेकिन इसके बाद टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने जानकारी करी, फिर जो है पत्नी को गिरफ्तार करा नीलम को, और उसका जो है जो चाकू से जिससे उन्होंने कत्ल